बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर टॉपिक है डिस्टिलेशन। व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या होता है? हम लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं प्रोडक्ट में से। ड्यूरिंग फार्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जब इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है, या फिर दो सब्सटेंस हैं एक ही मिक्सचर में और उन्हें सेपरेट करना पड़ जाता है। इस तरह के सिचुएशंस में हम डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स अपनाते हैं, उनमें से ही एक डिस्टिलेशन भी है जो वोलेटिलिटीज़ की बेस के ऊपर या डिफरेंसेस की वोलेटिलिटीज़ डिफरेंस की बेस पर सब्सटेंस को अलग-अलग करता है किसी भी मिक्सचर में से। हम देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है भला? डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेयर मोर वोलेटाइल सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम लेस वोलेटाइल सब्सटेंस। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। किस बेस पे सेपरेट करेंगे? मोर वोलेटाइल सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम लेस वोलेटाइल ऑफ सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि मोर वोलेटाइल हैं उनको लेस वोलेटाइल से हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर वाटर में कोई चीज़ डिजोल्व है तो हम उसे वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट बात इधर यह है कि डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है। किस चीज़ का सेपरेशन प्रोसेस है? डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी। किस पे बेस कर रहा है ये मिक्सचर्स सेपरेशन का प्रोसेस? मिक्सचर में डिफरेंट किस्म जो लिक्विड है उनके सेपरेशन का प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या चीज़ है? वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में आप लोगों ने जिस तरह स्टडी किया होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसी से ये वर्ड निकला है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज़ अ मटीरियल क्वालिटी विच इज़ डिस्क्राइब हाउ रेडिली अ सब्सटेंस एवेपोराइज। किसी भी सब्सटेंस की एवेपोराइजिंग पावर को या एवेपोराइजिंग एबिलिटी को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वेपर्स जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं वो थोड़ी देर में हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं, उनमें इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर उनका होता है कि वो इजीली हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वेपर्स में तब्दील होकर फिज़ा में शामिल हो जाएंगे। तो वोलेटिलिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी है जो ये डिस्क्राइब करती है कि किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स में तब्दील होने की एबिलिटी कितनी है, या कितनी जल्दी वेपर्स में तब्दील होकर फिज़ा में शामिल हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर दिस सेपरेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय वेपोराइजिंग अ लिक्विड मिक्सचर और बाय कंडेंसिंग अ वेपर मिक्सचर। एक ऐसा सेपरेशन प्रोसेस जो कि होता है वेपोराइजिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर और बाय कंडेंसिंग अ वेपर मिक्सचर। पहले जो है वेपर्स में तब्दील होगा लिक्विड, देन उसे कंडेंस किया जाएगा, वो मिक्सचर कंडेंस होगा, देन वो दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। हम कह सकते हैं द सेपरेशन प्रोसेस इज अ कैरिड आउट बाय वेपराइजिंग अ लिक्विड मिक्सचर और कंडेंसिंग, या फिर कंडेंसिंग ऑफ अ वेपर मिक्सचर। डिस्टिलेशन इज़ अ यूनिट ऑपरेशन और फिज़िकल सेपरेशन। डिस्टिलेशन में हम फिज़िकल सेपरेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। फिज़िकल सेपरेशन मेथड है ये एंड नॉट केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, एक चीज़ दूसरे में तब्दील नहीं होती, बस हम सेपरेट करते हैं, फिज़िकली सेपरेट कर रहे होते हैं। किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर दो सब्सटेंस हैं उन दोनों सब्सटेंस को हमने अलहदा अलहदा करना है, देन हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं।
लेकिन केमिकली कोई वेरिएशन नहीं आती, ये केमिकल कोई प्रोसीजर नहीं है, केमिकली कोई रिएक्शन शो नहीं होता। पर्पस क्या है इसका, इस डिस्टिलेशन का पर्पस क्या है? दर हकीकत इट इज़ यूज टू प्योरीफाइंग लिक्विड्स एंड सेपरेट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू देयर इंडिविजुअल अमाउंट। प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि डिफरेंट किस्म की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बन रही होती है, वहाँ पे जब प्योरीफाई किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स को, तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्योरीफाइंग लिक्विड एंड सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू देयर इंडिविजुअल, या फिर जब दो सब्सटेंस को अलहदा करना होता है किसी भी मिक्सचर में से, उस वक्त ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसीजर का अपना एक अपरेटस होता है डिफरेंट किस्म के, जिसमें चीज़ें अटैच कर एक प्रॉपर अपरेटस सेटअप किया जाता है, और उसके अंदर ये प्रोसीजर होता है, जिसमें कंडेंसर भी शामिल है, स्टील भी शामिल है, थर्मामीटर भी होता है उसके अंदर। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। अगर इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे तो हम ये कहेंगे डिस्टिलेशन का प्रोसेस में क्या है, द एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं, किस तरह प्योरीफाई करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग के ज़रिए। पहले हम हीट देंगे, हीट के ज़रिए लिक्विड्स वेपर्स में तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू देयर मोटेलिटी एबिलिटी, एंड देन वो कंडेंसर के थ्रू कूलिंग इफेक्ट मिलेगा उसे, और वो दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। सही, यहाँ आप तस्वीर में भी अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले हीट दी जा रही है, यहाँ पे देखिए हीट दी जाती है, इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है। जब हीट दी जाएगी ये सॉल्यूशन वेपर्स में तब्दील होगा, वेपर्स में तब्दील होगा मीन्स गैसेस फॉर्म में आ गया, बुखारात की फॉर्म जो है, गैसेस एक वेपर्स एक गैसेस फॉर्म होती है, देन हीट लिक्विड्स ही लिक्विड जो है हीट अप है होगा, देन वेपर्स में तब्दील होगा। उसके बाद थर्मामीटर यहाँ जो टेम्परेचर को बता रहा होता है कि कितना टेम्परेचर है इस पर लिक्विड, कोल्ड वाटर आउटलेट है यहाँ पर, देन ये जो वेपर्स हैं ये इस कंडेंसर में आ जाते हैं। यहाँ कंडेंसर में टेम्परेचर डाउन होता है, वाटर कोल्ड वाटर इन यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड वाटर यहाँ से दाखिल किया जाता है, यहाँ से कोल्ड वाटर का आउटलेट है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ किया गया है। देन जब वो कंडेंसर पे आएगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो वेपर्स हैं, जो वेपर्स बने थे हीट होने से लिक्विड की, ये दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो भी आपने डिस्टिलेट कलेक्ट करने के लिए फ्लास्क या जार रखा हुआ है उसके अंदर आके जमा हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे डिस्टिलेट, जो हमें हासिल होगा लिक्विड, ये प्योर लिक्विड होगा, प्योर सब्सटेंस होंगे जो हमने सेपरेट किए हैं, इसे हम कहेंगे डिस्टिलेट। अब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे कंडेंसर है एक, जो कि कूलिंग का इफेक्ट कर रहा है, ये क्या चीज़ है? डिस्टिलेशन पर हम देखते हैं, डिस्टिलेशन के बारे में यहाँ क्या लिखा है, डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। आपने ये प्रोसीजर देखा ना यहाँ पर, कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं और सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर के से बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग। यहाँ पे हीट होगी तो यहाँ बॉइलिंग का अमल भी होगा, सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। यहाँ कंडेंसर से जब लिक्विड गुजरेगा तो कंडेंसेशन का अमल होगा। अभी कंडेंसेशन का अमल क्या चीज़ है? जब ये यहाँ पे वर्ड आया है कि डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। पहले कंडेंसेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि कंडेंसर यूज़ हो रहा है, कंडेंसर्स डिफरेंट जगह पे होते हैं, कार के अंदर कंडेंसर एक लगा होता है, फ्रिज में हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें कंडेंसर होता है, हमारे एसी स्प्लिट्स में कंडेंसर होता है, जहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट देना होता है वहाँ एक कंडेंसर उस इंस्ट्रूमेंट में, उस डिवाइस में, उस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में लगा हुआ होता है। यहाँ पे भी एक कंडेंसर है जो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, कूलिंग इफेक्ट के लिए कंडेंसर एक मौजूद है। तो कंडेंसेशन का अमल क्या है? कंडेंसेशन इज़ अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर द कन्वर्जन ऑफ वेपर और गैसेस इनटू लिक्विड, एक ऐसा प्रोसेस जो कि वेपर और गैसेस को लिक्विड में तब्दील कर देता है, ठीक है, उसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहेंगे। हमने एवेपोरेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, एवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो जाता था, मींस एवेपोरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे वो वेपर्स दोबारा से जो हैं लिक्विड में तब्दील हुए हैं, इस अमल को कंडेंसेशन का अमल कहेंगे। क्या कंडेंसेशन इज़ अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और गैसेस टू लिक्विड, गैस का लिक्विड में तब्दील हो जाना। द क्लाउड इज़ कास्ट बाय कंडेंसेशन इन द एयर, जो बादलों का बनना होता है वो भी कंडेंसेशन की एक मिसाल है। ठीक है, हमने कल वाटर साइकिल के, मैंने आपको पिक जो है शेयर की थी उसके साथ, लेक्चर के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ, उसके अंदर देखिए कंडेंसेशन, ये वाटर साइकिल के बारे में बताया था। उसमें सबसे पहले एवेपोरेशन का अमल हुआ था, वाटर जो है सनलाइट के थ्रू एवेपोरेट हुए थे, वेपर्स में तब्दील हुए थे, देन जब इसे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा थोड़ा सा तो ये कंडेंसेशन के अमल से क्लाउड में तब्दील हो जाएगा, और ये कंडेंसेशन के अमल के बाद प्रेसिपिटेशन का अमल होगा जिसमें रेन होती है, और इसी तरह ये वाटर साइकिल चलता रहता है। अभी कंडेंसेशन का अमल हम अगर लैब में परफॉर्म कर रहे हैं या इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कर रहा होता है कंडेंसेशन का अमल, कंडेंसर। कंडेंसर भला क्या चीज़ है, कंडेंसर इज़ अ डिवाइस और यूनिट यूज टू कंडेंस अ गैसियस सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड स्टेट थ्रू कूलिंग, एक ऐसा कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंडेंस करता है गैसियस सब्सटेंस को इनटू अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में किस तरह कनेक्ट करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके, जहाँ जिस भी डिवाइस, जो भी डिवाइस कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया रेफ्रिजरेटर, एसी या मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स जो होती हैं उनके अंदर भी कंडेंसर्स लगे हुए होते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए, तो वहाँ पे कंडेंसर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। लेकिन जब हमें लैब में कोई प्रोसीजर करना होता है या इंडस्ट्री में कोई प्रोसीजर करना होता है, तो वहाँ स्पेसिफिक कंडेंसर लगाया जाता है ताकि जो है उस प्रोडक्ट को कूल किया जाए, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया जाए। इधर डिस्टिलेशन के अंदर जब वेपर्स बनते हैं, हीट के प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोवाइड की जाती है और सॉल्यूशन वेपर्स में तब्दील हो जाता है, तो और ये वेपर्स गुजरेंगे कंडेंसर से, कंडेंसर यहाँ कूलिंग इफेक्ट देगा और दोबारा से इन्हें लिक्विड में तब्दील कर देगा, जो कि प्योरीफाइड लिक्विड होगा हमारे पास। देन ये एक अमल चलता है जिसके अंदर पहले हीट के थ्रू वेपर्स बनते हैं, देन कंडेंसेशन का अमल होता है, और इसी को हम डिस्टिलेशन कहेंगे। कंडेंसेशन का अमल हमें आम ज़िंदगी में भी देखने में आता है, जैसे बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा शीशों के ऊपर इस तरह के ड्रॉपलेट्स आकर जमा हो जाते हैं, अमूमन सर्दियों में शीशे की खिड़की पर ड्रॉपलेट्स आके जमा हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन के अमल से ही होते हैं। पहले गैसियस फॉर्म में आपका वाटर होता है, जैसे ही उसे कूल इफेक्ट मिलता है वो कंडेंसेशन के अमल से ड्रॉप्स में दोबारा से तब्दील होता है। इसी तरह हम पानी के, ठंडे पानी के गिलास पे भी देखते हैं कि ड्रॉप्स इस तरह के अपेरेंस आ रही होती है, ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, वो भी कंडेंसेशन के अमल से ही बनते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है डिस्टिलेशन का। अब डिस्टिलेशन का जैसा कि मैंने बताया के सेपरेटिंग प्रोसीजर है एक, ये डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बिगन्स, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बिगन्स कहाँ से बिगन होगा, विद द हीटिंग ऑफ लिक्विड टू बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम हीट करेंगे लिक्विड को टू द बॉइलिंग पॉइंट, देन द लिक्विड वेपर्स फॉर्मिंग, द लिक्विड एवेपोरेट फॉर्म वेपर्स, लिक्विड जो है एवेपोरेट होगा और फॉर्म करेगा वेपर्स को। द वेपर्स इज देन कूल्ड, वेपर्स कूल होंगे, वेपर्स देन कूल्ड एज यूजली बाय पासिंग इट थ्रू अ पाइप्स और ट्यूब्स एट अ लोअर टेम्परेचर। ऐसे पाइप्स एंड ट्यूब्स से गुजारा जाएगा, जैसे हम कंडेंसर कह रहे होते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, वहाँ से पास किया जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। द कूल्ड वेपर्स देन कंडेंसेस
फॉर्मिंग अ डिस्टिलेट, तो वो डिस्टिलेट हासिल होगा, मीन्स वो दोबारा से लिक्विड में तब्दील होगा और जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा वो डिस्टिलेट कहलाएगा। द डिस्टिलेज इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल लिक्विड, डिस्टिलेट इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल लिक्विड। वेन द लिक्विड एवेपोरेट मैनी इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ डिस्टिलेट, जो डिस्टिलेट हमें हासिल हो रहा है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? वेन द लिक्विड एवेपोरेट मैनी इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड, कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो पीछे रह जाती हैं एंड हमें जो डिस्टिलेट हासिल होता है वो प्योर होता है। यहाँ पर भी देखिए इन्हीं इसी प्रोसेस को दिखाया गया है। पर सबसे पहले हम हीटअप करेंगे सोल्यूशन को, यहाँ पर वो हीटअप करेंगे, देन वो वेपर्स के शक्ल में गैसीय स्टेट के अंदर आएगा ऐसे ट्यूब और पाइप में जिसका टेम्परेचर कम है, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। वेपर्स कंटिन्यू इनटू द कंडेंसर, कंडेंसर क्या करेगा, द काजेस द टेम्परेचर ऑफ द वेपर टू डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। जब वेपर्स का या गैसीय स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा देन वो दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, गैस तब्दील हो जाएगी लिक्विड में। जैसा मैंने बताया डिस्टिलेशन के अमल के अंदर गैस पहले लिक्विड गैस में तब्दील होता है देन वो गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है कंडेंसेशन के अमल से। और इधर हमें डिस्टिलेट हासिल होगा जो कि प्योर लिक्विड है और हमें डिस्टिलेट ही हासिल करना था। डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मोस्टली थ्री पार्ट्स और सब पार्ट्स भी होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे थ्री पार्ट्स जो जनरल थ्री टाइप्स सिंपल डिस्टिलेशन में यूज़ हो रहे होते हैं वो उनका जिक्र आया है। स्टील कंसिस्ट ऑफ मिनिमम अ रिबॉयलर और पॉट इन विच सोर्स मटेरियल इज़ हीटेड, जो भी मटेरियल आपने हीट करना है, सोर्स मटेरियल जो भी मटेरियल आपका सैम्पल मटेरियल है उसे आपने हीट करना है, प्योरीफाई करना है, वो स्टील में मौजूद होता है। क्या कंडेंसर क्या चीज़ है? कंडेंसर यहाँ पे देखिए, कंडेंसर इन विच द हीटेड वेपर्स इज कूल्ड बैक टू द लिक्विड स्टेट, एक कंडेंसर एक ऐसा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है इन विच द हीटेड वेपर्स जो है जो गैसेस फॉर्म में जो लिक्विड तब्दील हुआ था हीट देने की वजह से, यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म में वेपर्स बने थे उनको कूल डाउन करके दोबारा से लिक्विड में तब्दील करता है। कंडेंसर के बारे में यहाँ बताया गया है, कंडेंसर इन विच वेपर्स हीटेड एंड बैक टू कूल स्टेट। इसके बाद रिसीवर, रिसीवर भी इसका एक पार्ट है। रिसीवर is in which the concentrated or purified liquid called the distillate is collected, यहाँ पर distillate collect होता है, receiver के अंदर distillate collect होगा। जैसे ही condenser gaseous form को vapors को दोबारा से liquid में तब्दील होगा वो receiver में जाकर collect होना शुरू होगा जिसको हम distillate कहते हैं, वो pure liquid होता है। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के टाइप्स क्या हैं? दे आर फोर टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सबसे पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे स्टडी। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होगा भला? सिंपल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दिस प्रोसेस सिंपल अपरेटस इज़ यूज, अपरेटस वही वाला यूज होगा जो हमने लास्ट वाली प्रीवियस स्लाइड के अंदर अभी देखा है। सिंपल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हमने सेपरेशन करना है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, सेपरेट करनी होती है, इम्प्योरिटीज़ दूर करनी होती हैं, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिंपल डिस्टिलेशन द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड, इस ऐसा प्रोसेस है हम कह सकते हैं लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग अप टू द बॉइलिंग राउंड बॉटम फ्लास्क। अब यहाँ पे देखिए बॉइलिंग राउंड बॉटम फ्लास्क ये दिखाया गया है, इसका राउंड बॉटम है, इस फ्लास्क जो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे इसका राउंड बॉटम है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क तो बताया गया है राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसे हम स्टिल भी कहेंगे, यूज़ हो रही होती है। द वेपर्स आर देन पास्ड थ्रू द अपरेटस कॉल्ड कंडेंसर, कंडेंसर से वेपर पास होते हैं विच कूल द वेपर्स एंड कन्वर्टेड द वेपर्स इनटू लिक्विड
जब ये कूल करेगा कंडेंसर जो वेपर्स हैं या गैसियस फॉर्म में जो तब्दील हुआ है उसे लिक्विड में तब्दील कर देगा, जिसे हम डिस्टिलेट कहेंगे। दिस डिस्टिलेज इज कलेक्टेड इन सूटेबल वेजल्स कॉल्ड द रिसीवर, और इस डिस्टिलेट को कलेक्ट किया जाता है सूटेबल वेजल्स में जो को हम रिसीवर कहेंगे, जिसको द अपरेटस यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट्स। ये अपरेटस इन फ्लोइंग कंपोनेंट्स का मुश्तमिल होता है जो हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी कर ली हैं, लाइक स्टील राउंड राउंड बॉटम फ्लास्क जो कहा गया है, हमने वो देखा था कंडेंसर एंड रिसीवर। यह सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का है या डिस्टिलेशन अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये या तो सिंपल डिस्टिलेशन का नाम से लिखा होता है या लिखा होता है डिस्टिलेशन अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इनमें सेम अपरेटस यूज हो रहा होता है, स्टील होती है, कंडेंसर होता है, रिसीविंग फ्लास्क होती है, या फिर जो मेजर चीज़ होती है थर्मामीटर, थर्मामीटर भी अटैच होता है क्योंकि हमें देखना होता है टेम्परेचर कितना जा रहा है, तो थर्मामीटर भी डिस्टिलेशन के जो भी टाइप है डिस्टिलेशन में उसके अपरेटस के साथ थर्मामीटर लाजमी अटैच होता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, अगर हम कहें एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ पे है, दिस द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ईथर्स, एमाइड एंड नाइट्राइल्स में इस्तेमाल होती है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, हम अलहदा कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन में ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट, वॉलेटाइल लिक्विड सच एज अल्कोहल्स और अदर आर रिकवर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। अमूमन डिस्टिलेशन का प्रोसेस अल्कोहल या फिर डिफरेंट किस्म के ड्रग एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने में भी यूज़ हो रहा होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसा कि डिस्टिलेशन की एक टाइप है ये भी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट मिजिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे मिजिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेट मिक्सचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इंटू अ कंपोनेंट parts or fractions. The chemical compounds are separated by heating them to a temperature with at which one or more fractions of mixtures will vaporize. अमूमन जो है एक से ज़्यादा अगर वॉलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर मौजूद है then हर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस का boiling point different होता है और उनको उनका गैसियस फॉर्म में तब्दील होना या वेपर्स में तब्दील होना भी अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ये वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो अपरेटस यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिंपल डिस्टिलेशन से, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल कॉलम लगा हुआ होता है, फ्रैक्शनल कॉलम लगा होता है दरमियान में, जबकि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनल कॉलम नहीं लगा हुआ होता। अमूमन देखेंगे आप डिफरेंस देखिए सिंपल डिस्टिलेशन का एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट मिक्सर ऑफ मिजिबल लिक्विड विद सफिशेंट लार्जली डिफरेंस इन अ बॉइल इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल डिस्टिलेशन उन मिक्सचर्स के लिए यूज रहा है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट लेस। अमूमन क्योंकि नेचर एक जैसी होती है, वॉलेटाइल सब्सटेंस का ही मिक्सचर होता है लेकिन वॉलेटाइल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं क्योंकि नेचर एक जैसी है, वॉलेटाइल ही दोनों सब्सटेंस हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस स्मॉल डिफरेंस की वजह से इन्हें फ्रैक्शनल कॉलम लगाया जाता है और फ्रैक्शनल कॉलम में वो सेपरेट होते जाते हैं। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन में इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अमूमन एक अगर वॉलेटाइल नेचर का सब्सटेंस है उस मिक्सचर के अंदर, देन हो सकता है दूसरा नॉन वॉलेटाइल नेचर का सब्सटेंस हो। देन सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल अपरेटस विद टू फ्लास्क एंड अ कंडेंसर। इसका सिंपल सा अपरेटस होता है, आपने देखा था कि एक फ्लास्क लगी हुई थी, एक कंडेंसर था उसके अंदर और एक रिसीवर था, सिंपल डिस्टिलेशन का सिंपल सा अपरेटस है। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट कंसिस्ट ऑफ मोर कम्प्लेक्स अपरेटस विद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी अटैच है इसलिए थोड़ा कम्प्लेक्स है इसका अपरेटस
देन सिंपल डिस्टिलेशन की अगर हम टाइप लें तो टू प्योरीफाई सी वाटर, अगर आपने साल्ट अलहदा करना है, मिनरल्स अलहदा करने हैं वाटर में से, देन आप प्योरीफाई वाटर हासिल करना चाह रहे हैं, मतलब सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग करनी है देन आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर यूज़ करोगे। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी जिसे हम कहते हैं, या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कहा जाता है। इसके अंदर हम कहेंगे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ अ डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन का अमल होगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ अ डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर इन एबलिंग इट टू बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से हम लो टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर सकते हैं। देन अ नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट था, अगर हम उसका प्रेशर रिड्यूस कर देंगे देन उसे हम लो टेम्परेचर पे बॉइल कर सकते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ अ टेक्निक सूटेबल फॉर लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल जिनको लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मटीरियल को हम इसमें यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर। देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स, इसकी फ्लास्क, स्पेशल फ्लास्क है जो कि कैल्शियम फ्लास्क कहलाती है, और सैंड बाथ भी है इधर, मरकरी मोनोमीटर भी यूज़ हो रहा है इसमें। ये मरकरी मोनोमीटर है, कंडेंसर तो क्योंकि तमाम डिस्टिलेशन के प्रोसीजर्स में ही यूज़ होता है, रिसीवर भी तमाम में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मरकरी मोनोमीटर अटैच है, इसके साथ एक सैंड बाथ भी है इसमें, और कैल्शियम फ्लास्क है, स्पेशल फ्लास्क है जो कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में इस्तेमाल होती है, और क्योंकि इसके अंदर हमें रिड्यूस करना होता है प्रेशर। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम से ही जाहिर है कि भाप होगा या स्टीम वाला काम हो रहा होगा। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपने प्योरीफिकेशन करनी है नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देन ये मेथड यूज़ होगा। दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड विच आर इमिजिबल विद वाटर, लेकिन वो इमिजिबल हैं वाटर के अंदर, इनकी हम प्योरीफाई कर लेते हैं इस मेथड के थ्रू। स्टीम डिस्टिलेशन is a separation process used to purify and isolate temperature sensitive materials। कहाँ पर use किया जाता है, ऐसे substance को purify करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो temperature sensitive material होते हैं। temperature sensitive material such as the natural aromatic compounds, natural aromatic compounds जो होते हैं या volatile compounds भी हम कह सकते हैं इन्हें। steam और water is added to the distillation apparatus lowering the boiling point of the compound। अब अगर हम इसका apparatus देखें ना यहाँ पर, तो इसके अंदर देखिए थोड़ा कम्प्लेक्स है इसका apparatus। यहाँ पर एक जनरेटर है जो स्टीम, जहाँ से स्टीम जो है जनरेट होगा, एक ऐसा है जिसमें वाटर फिल हुआ हुआ है जिसके ज़रिए स्टीम क्रिएट होगा। देन ये यहाँ पर एक कंडेंसर वाटर वेपर दिखाया गया है, सैंड बाथ दिखाया गया है, देन कंपाउंड टू बी डिस्टिलेट, हीट प्रोवाइड हो रही है यहाँ पर, वाटर आउटलेट एंड वाटर इनलेट दिखाया है, डिस्टिल्ड लिक्विड जो है रिसीवर में जमा हो जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ ऑफ्टन एम्प्लॉय इन द आइसोलेशन ऑफ असेंशियल ऑयल्स फॉर यूज़ इन परफ्यूम्स। फॉर एग्जाम्पल्स इन मैथड स्टीम इज़ यूज थ्रू द प्लांट मटीरियल्स कंटेनिंग डिज़ायर्ड ऑयल्स, यूकलिप्टस ऑयल्स, कैम्फर ऑयल्स, ऑरेंज ऑयल्स आर ऑब्टेंड बाय दिस मेथड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। ऐसे सब्सटेंस या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल्स को हम इसे सेपरेट कर रहे होते हैं, उनमें कुछ ऑयल्स भी शामिल हैं, असेंशियल ऑयल्स जैसे यूकलिप्टस ऑयल, कैम्फर एंड ऑरेंज ऑयल्स, उसमें हम ये स्टीम प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं। डिस्टिलेशन हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली हैं डिस्टिलेशन की, जैसा कि
स्टीम डिस्टिलेशन भी हमने देख लिया। स्टीम डिस्टिलेशन में हमने ये देखा है कि वोलेटाइल ऑयल्स को, या हम कह सकते हैं ऐसे ऑयल जो कि हीट सेंसिटिव है, उन्हें अलग किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज टू डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, वन इन विच वाटर, इसमें लेकिन एक वाटर होता है क्योंकि स्टीम अप्लाई हो रही है और स्टीम वाटर ही से बनी हुई होती है। अमूमन इस टू लिक्विड इसमें यूज होते हैं, उनमें से वन वाटर होता है। एन इमिजिबल लिक्विड्स एंड वाटर इंडिपेंडेंटली बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर, बट वैन स्टीम इज पास थ्रू द मिक्सचर दीज लिक्विड्स दे बॉयल एट मच लो टेम्परेचर देन द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर। ये तमाम चीज़ें हम, ये डिफरेंट टाइप्स थी डिस्टिलेशन की। लेकिन डिस्टिलेशन जनरल तौर पर की एप्लीकेशन क्या होगी? डिस्टिलेशन इट इज़ यूज टू सेपरेट द क्रूड ऑयल इंटू मोर फ्रैक्शन बाय स्पेसिफिक यूज सच एज ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन एंड हीटिंग। जो क्रूड ऑयल्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल होती है अमूमन। इसके अलावा जो पेट्रोलियम या पेट्रोल भी उसकी एक प्रोडक्ट है, हम इसी तरह हासिल कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू, उसे प्योरीफाई कर रहे होते हैं। वाटर इज़ डिस्टिल्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज साल्ट एंड सी वाटर। हम वाटर को भी डिस्टिलेशन के प्रोसेस से प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे सी वाटर से अगर साल्ट को डिस्टिलेट करना होता है देन हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। एयर इज़ डिस्टिलेटेड टू सेपरेट इनटू कंपोनेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज़ में हो रही होती है। इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ डिस्टिलेशन अगर हम देखते हैं, इंक्लूडिंग प्योरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल, डिसलाइनाइजेशन, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग लिक्विड गैसेस फ्रॉम एयर। ये तमाम चीज़ें हम इसके एग्जाम्पल हैं डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन के बाद हासिल होती हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज इन प्योरीफिकेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इस्तेमाल होता है, लाइक ईथर्स, अमाइड एंड नाइट्राइल्स। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेटिंग द वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिलेट वाटर फॉर इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। एक वाटर फॉर इंजेक्शन मीन इंजेक्शन लिहाज प्योरीफाई होता है वो चीज़। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट, वॉलेटाइल लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड अदर रिकवर्ड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिफरेंट में ड्रग एक्सट्रैक्ट भी इसी से हासिल किए जाते हैं। अगर हम इनके आपस में डिफरेंसेस देखें तो आप लोगों को मोर क्लियर हो जाएगा डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन देखिए, डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन फॉर कंपाउंडिंग डेट आर एसोसिएटेड विद नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज और दोज लिक्विड विच डोंट डिकम्पोज ऑन बॉइलिंग। इन अदर वर्ड डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेटिंग वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। जी सिंपल डिस्टिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है अमूमन, ये प्योरीफिकेशन करती है कंपाउंड्स की जो कि एसोसिएटेड है नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज और दोज लिक्विड विच डोंट डिकम्पोज इन बॉइलिंग। क्योंकि यहाँ बॉइलिंग का अमल हो रहा होता है उसके अंदर, और ऐसे का हमें सब्सटेंस के हम सेपरेट कर रहे होते हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के हैं लेकिन वो नॉन वॉलेटाइल में शामिल हैं। उनके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, उनका मिक्सचर है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में से हमने वॉलेटाइल्स को सेपरेट करना है। देन अगर हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात करते हैं, हम इसको कहेंगे ये वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाइंग द लिक्विड इज ट्रेंड टू बी डिकम्पोज एंड बॉइलिंग। ऐसे सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं सेपरेशन के लिए या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में प्योरीफिकेशन के लिए, जो कि बॉइलिंग के ऊपर डिकम्पोज हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उनका जो फिज़िकल अपेयरेंस को या केमिकल कंपोजिशन को नुकसान पहुंचता है बॉइलिंग से, उसको हम डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर के थ्रू डिस्टिलेशन डिस्टिल कर रहे होते हैं, प्योरीफाई कर रहे होते हैं। अंडर द कंडीशन रिड्यूस प्रेशर द लिक्विड विल बॉयल एट लो टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड विल देयरफॉर नॉट। अमूमन लो टेम्परेचर के ऊपर हम बॉइलिंग ले आते हैं क्योंकि हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया होता है, लेकिन जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसमें वो कंपाउंड यूज़ करते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते बॉइलिंग से, जबकि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में हम वो कंपाउंड यूज़ कर रहे होते हैं, मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग से, या बॉइलिंग उनको नुकसान पहुँचा सकती है, हाई टेम्परेचर उनको नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हम लो टेम्परेचर पर लेकिन प्रेशर को रिड्यूस करते हुए उनको डिस्टिलेशन का अमल से गुजारते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है हकीकत? स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने में इस्तेमाल होता है
विच इज़ स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल इन लिक्विड, ऐसे वोलेटाइल जो कि पानी में ना हल पजीर होते हैं। ऑन पासिंग स्टीम द कंपाउंड गेट हीटेड अप एंड स्टीम गेट्स कंडेंस्ड टू वाटर, आफ्टर सम टाइम द मिक्सचर ऑफ। ये एक प्रोसीजर है स्टीम डिस्टिलेशन का। आप देखें अपरेटस वाइज भी ये सारे डिफरेंट हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में अपरेटस भी एक सिंपल यूज़ हो रहा है, सिंपल इसके अंदर जो है एक फ्लास्क होती है या जिसे हम स्टिल कहते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है आपका, और एक कंडेंसर है एंड रिसीवर, यहाँ पे डिस्टिलेट जमा हो रहा होता है। लेकिन अगर हम डिस्टिल अंडर द रिड्यूस प्रेशर में देखें तो इसके अंदर कैल्शियम फ्लास्क, स्पेशल किस्म की फ्लास्क होती है, उसमें रिड्यूस प्रेशर क्रिएट किया जाता है। देन सैंड बाथ भी है, और मरकरी मोनोमीटर भी इस्तेमाल हो रहा होता है प्रेशर को जज करने के लिए। जबकि अगर स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं, उसका अपरेटस में स्टीम क्रिएट करने के लिए स्टीम जनरेटर लगा होता है, सैंड बाथ होता है इसके अंदर। तो अपरेटस वाइज भी ये डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन को अगर हम और ज़्यादा कंसाइज करके समझना चाहें, सिंपल में क्या है, यूज फॉर आलमोस्ट प्योर लिक्विड्स और फॉर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स विद वेरी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पे भी जो कंपाउंड्स को नुकसान नहीं पहुंचता, ऐसे चीज़ों का हम इसमें प्योरीफाई कर रहे होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज फॉर द मिक्सचर विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, अमूमन बहुत माइनर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, वो फ्रैक्शनल के अंदर सेपरेट किया जाता है। अ कॉलम इज़ रिक्वायर्ड, विग्रस कॉलम कहा गया है, या फ्रैक्शनेटेड कॉलम भी कहा जाता है। वैक्यूम यूज फॉर द लिक्विड विच हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे चीज़ें जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जिनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए प्रेशर को रिड्यूस करते हुए, वैक्यूम क्रिएट करते हुए हम उसको बॉइलिंग पॉइंट को कम दर्जा हरारत पर ले आते हैं, और वो वैक्यूम में इस्तेमाल हो रही होती हैं। स्टीम यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स डेट आर नॉट वाटर मिजिबल, ऐसे हीट सेंसिटिव कंपाउंड जो कि वाटर में मिजिबल नहीं है, वाटर में हलपजीर नहीं है, वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू प्योरीफाई किए जाते हैं। हम आजकल डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करें, प्रोसीजर्स हैं ये, प्योरीफिकेशंस के प्रोसीजर्स हैं, और कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रोसीजर हैं, लाइक साइज डिटेक्शन, सेपरेशन, हीट ऑपरेशंस एंड एक्सट्रक्शन प्रोसेस। आजकल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हीट ऑपरेशन प्रोसीजर, के जिसमें हमने फिशन, कैल्सिनेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन स्टडी कर लिया है। रिमेनिंग को हम वक्तन फ़क्तन स्टडी करेंगे। ये आप जो तमाम मैंने आप लोगों को दिखाया है, इसको आप अपने लेक्चर नोटबुक पे इसी तरह जो है कॉलम्स में और बॉक्सेस बनाकर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।